मैंने वहां भी कहा, ये आम आदमी पार्टी हम लोगों का परिवार है और हम परिवार की तरह इस पार्टी में जीते हैं, रहते हैं। और आज हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी, हमारे दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी, सत्येन जैन नीचे कर दो आज जेल में है, उनके परिवार के साथ आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ खड़ा है। और इसीलिए जेल से छूटने के बाद सीधे अरविंद जी के घर गया, अभी मनीष जी के यहां आया हूं, कल सत्येन जी के यहां जाऊंगा और कहीं इन लोगों के सामने इनकी तानाशाही के आगे हम डरने वाले हैं न डरने वाले हैं। जेल का जवाब वोट से देगी दिल्ली की जनता, क्योंकि इनका मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिल्ली की 2 करोड़ जनता की सुविधाओं पर डाका डालना है। भाजपाइयों का मकसद है दिल्ली के 2 करोड़ जनता की सुविधाओं पर डाका डालना, उसको छीनना कि कैसे दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली मिल रही है, मुफ्त पानी मिल रहा है, मुफ्त शिक्षा मिल रही है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिल रही है, हमारी बहनों को मुफ्त बस की यात्रा मिल रही है, ये कैसे मिल रही है। इसके कारण से भाजपाइयों को तकलीफ है और इसीलिए देश की तानाशाह सरकार ने केजरीवाल जी को जेल में भेजा है। वो बाहर में भाटी भैया माइक नीचे करना था, अभी से मिलके सारे भरोसा हम लोगों ने दिलाया तो भाई थोड़ा जल्द ही मनीष भाई को भी न्याय मिलेगा। इससे पहले अरविंद जी के कहा यहां गया, भाभी से मुलाकात की और आज पहली बार उनकी आंखों में मैंने आंसू देखा और ईश्वर न्याय करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। प्रभु के घर में, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और निश्चित रूप से जो अन्याय बीजेपी की सरकार और देश की तानाशाह सरकार कर रही है, इसका जवाब दिल्ली की जनता, देश की जनता और ईश्वर देगा।